Hello everyone, welcome to our YouTube channel Wings Education, and today I'm back with some commonly used idioms. जब आप ये word पढ़ते हैं idiom, then what comes into your mind? आपने हमारी local language में हिंदी में देखा होगा, हम आम बोलचाल की भाषा में ऐसे बहुत से वाक्य use करते हैं, जैसे ढाक के तीन पात होना, नाको चने चबवा देना, ऊंची दुकान, फीका पकवान. ऐसे बहुत से लैंग्वेज स्लैंग्स हैं जो हम हमारी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं. आखिर इनका यूज़ क्या है? इनका यूज़ है ये हमारी लैंग्वेज को, ये हमारी भाषा को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना देते हैं. जैसे हिंदी में वैसे ही इंग्लिश में ऐसे बहुत से इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं जो अगर आप अपनी वोकैब में ऐड करें, जो आप अगर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें, तो आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो स्पीकिंग हैबिट है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, वो 10 times बेटर हो जाती है. तो चलिए विदाउट डूइंग एनी फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट. तो पहला, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. आपको पता है ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, और डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा हुआ. तो ये छुपा हुआ आशीर्वाद, इसका क्या मतलब है? आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपको कई बार कई चीज़ों के लिए डांटते होंगे, लेकिन जब वो आपको डांटते हैं तो आपको लगता होगा कि अरे ये हमें क्यों डांट रहे हैं, हमारी क्या गलती, ये ऐसा ही होता है. लेकिन कुछ समय के बाद जब हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, व्हेन वी बिकम सक्सेसफुल, तो हमें लगता है कि अच्छा, तो उस वक्त उनका डांटना बिल्कुल जायज़ था. तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज, तो हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स जब हमें डांटते हैं तो उनकी डांट के पीछे हमारा ही भला छिपा होता है, तो उसे हम बोलते हैं अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. नेक्स्ट इज अ पिक्चर इज वर्थ 1000 words. एक पिक्चर जो होती है वो हजारों शब्दों के बराबर होती है. मान लेते हैं कि आप कहीं पर घूमने गए और बहुत सालों बाद उसी जगह की पिक्चर्स आपने अपने हाथों में रखी और देखी. आप सामने वालों को बता सकते हैं मैं वहां गया, मैंने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, लेकिन जब आप उस पिक्चर को देखते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी मेमोरीज अपने आप ही आ जाती हैं. तो उस चीज को बोलते हैं अ पिक्चर इज वर्थ 1000 words. नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ केक. नाउ अ पीस ऑफ केक, अब इस अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज रियली इजी फॉर यू, इफ यू आर गुड एट समथिंग, देन दैट बिकम्स योर डेली एक्सेंट, देन यू कैन यूज अ पीस ऑफ केक. लाइक स्पीकिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी. नेक्स्ट, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड. ओके, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स का मतलब, देखिए दो तरह के लोग होते हैं. फर्स्ट वन, जो सिर्फ बोलते हैं बट व्हेन इट कम्स टू एक्ट आउट वो नहीं कर पाते. दूसरे तरह के लोग, दे डू नॉट स्पीक अ लॉट, इतना ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन जब बात आती है करने की, दे प्रूव देमसेल्व्स, वो खुद की बात को प्रूव करते हैं. तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, आपके कार्यों का, आपके एक्शंस का ज्यादा महत्व होता है बजाय आपके शब्दों के. नेक्स्ट, एड इंसल्ट टू इंजरी. अब एड इंसल्ट टू इंजरी को हिंदी में हम बोलते हैं जले पर नमक छिड़कना. मान लेते हैं कि कोई पहले से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा सैड है. एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त के पास गए, आपका एग्जाम का रिजल्ट आया, आपके तो बहुत अच्छे मार्क्स आए, बट योर फ्रेंड डिन परफॉर्म सो वेल इन द एग्जाम. तो आप उसके पास गए, आपने उसको कहा कि मेरे 96% आए हैं, आपको पता है कि उसके कम आए, फिर भी आपने उसको पूछ लिया तेरे कितने आए. सो दिस मीन्स एडिंग इंसल्ट टू हिज इंजरी, आप उसके जले पर नमक छिड़क रहे हैं. नेक्स्ट, एज चीप एज चिप्स, समथिंग दैट इज रियली चीप, कौड़ियों के दाम में जो चीज मिल रही है उसे आप बोलते हैं एज चीप एज चिप्स, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा सस्ती है. नेक्स्ट, बीट अबाउट द बुश. अब बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है? अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम योर फादर, इफ यू वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम योर मदर, तो आप क्या करते हैं? यू जस्ट गो टू हिम, यू जस्ट गो टू हर, एंड आप घुमा फिरा कर बात करते हैं कि पापा आपको पता है उस दिन ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, देन ये, फिर वो, एंड दे आर योर पेरेंट्स, वो आपके माता पिता हैं, वो समझ जाते हैं, ये घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं, इसके दिमाग में कुछ और है. तो
तो वो आपको सीधा बोलते हैं, डू नॉट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें मत करो, कम टू द पॉइंट, सीधे पॉइंट की बात करो. सो बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना. नेक्स्ट, बेटर लेट देन नेवर. आपने एक बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर स्लैंग सुना होगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छा है. सो बेटर लेट देन नेवर. मान लेते हैं कि आज से दो दिन बाद, आज से तीन दिन बाद आपका एग्जाम है, आपने कुछ नहीं पढ़ रखा, स्टिल यू हैव टू टू थ्री डेज, आप कुछ ना कुछ तो पढ़ ही सकते हैं बजाय कि कुछ भी ना पढ़ने के. सो बेटर लेट देन नेवर, पढ़ सकते हैं, कुछ तो मार्क्स आएंगे, और नहीं पढ़े तो आएंगे ही नहीं. सो बेटर लेट देन नेवर का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज अगर वो लेट भी हो चुकी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको जब जहां है वहीं से शुरू कर दें. हो सकता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो कभी हो ही ना. नेक्स्ट इज बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू. मान लेते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने वहां एक पिज्जा, एक बर्गर ऑर्डर किया, और आपने कहा कि मैं इस पिज्जा को, इस बर्गर को एक साथ खाना चाहूंगा. आपने वो बर्गर उठाया और पूरा अपने मुंह के अंदर डालने की कोशिश की. What happens then? क्या होता है फिर? What will happen? पूरा का पूरा खराब हो जाएगा. So bite off more than you can chew का मतलब होता है ऐसा कोई भी काम अपने हाथ में ले लेना, या ऐसा कोई भी काम करने की कोशिश करना that you think you can't do, you will not be able to do. Next, bite the bullet. अब एक बुलेट है आपके हाथ में, एक गोली है, और वो आपने खाने की कोशिश की. देन वॉट हैपन्स, इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू च्यू दैट. वही चीज है, बाइट द बुलेट का मतलब होता है ऐसा कोई काम करना जो आपके बस का नहीं है, इन विच यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट. सो बाइट द बुलेट. नेक्स्ट, ब्रेक अ लेग. अब इस ब्रेक अ लेग का मतलब वो नहीं किसी की टांग तोड़ देना, नो. ब्रेक अ लेग मीन्स हैव अ गुड लक. आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं, आप अपने रिलेटिव्स को बोलते हैं, जब वो कोई चीज करने के लिए जा रहे हैं आप उनको बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक. सो ऑन दैट प्लेस, बेस्ट ऑफ लक की जगह यू कैन यूज ब्रेक अ लेग, टांग तोड़ दो आज तो. ब्रेक द आइस. अब ब्रेक द आइस का मतलब क्या है, बर्फ तोड़ना? बिल्कुल नहीं. ये जो एडियम्स हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, इनके शब्दों से कभी भी इनका मीनिंग क्लियर नहीं होता, आपको इनके भाव के पीछे जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा उनका मीनिंग. सो ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है बर्फ तोड़ना नॉर्मली अगर इसको पढ़े तो, लेकिन इसका मतलब होता है टू इनिशिएट. आप कहीं पर बैठे हैं किसी मीटिंग में और आपका बॉस आपको बोलता है कि कौन स्टार्ट करेगा, सो ही विल से हु विल ब्रेक द आइस. सो ब्रेक द आइस मीन्स टू टेक एन इनिशिएटिव, स्टार्ट करना. नेक्स्ट, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. अब मान लेते हैं कि मुझे कोई चीज खरीदनी है और उस चीज को खरीदने के लिए मुझे अपने अपना एक हाथ और अपना एक पैर देना पड़ेगा. सो दैट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी. इफ आई नीड टू पे वन ऑफ माई हैंड्स एंड वन ऑफ माई लेग्स फॉर समथिंग, देन इट बिकम्स रियली एक्सपेंसिव. तो अगर आप किसी चीज के लिए अपना एक हाथ और अपना एक पैर देते हैं तो वो चीज आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव है. रियल में नहीं देना, जस्ट एन एक्सप्रेशन. ओके, सो कॉस्ट एन आर्म एंड लेग का मतलब होता है समथिंग is really expensive. मान लेते हैं कि आपको एक कार खरीदनी है और वो आपके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. आप उसको बोल सकते हैं this is really expensive for me. लेकिन ये तो बहुत कॉमन हो गया, सब यूज करते हैं. लेकिन अगर आप किसको बहुत ज्यादा एडवांस बनाना चाहते हैं, then you can use this car will cost me an arm and a leg. Next, put all your eggs in one basket. अपने सारे eggs जो हैं उनको लेकर एक basket में डाल दो. अब ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ, लेकिन अगर इसका हम भावार्थ समझें तो इसका मतलब होता है टू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग, किसी भी एक चीज पर फोकस करना. कई बार लोग बोलते हैं कि आई एम मल्टीटास्कर, मैं बहुत से काम एक साथ कर सकता हूं. लेकिन आपने सुना होगा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज गुड फॉर नथिंग. अगर कोई आदमी ऐसा बोलता है कि मैं सब काम बहुत अच्छे से कर लेता हूं, तो आप ये मान लीजिए कि वो एक भी काम अच्छे से नहीं कर पाता. सो पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का मतलब होता है कि एक समय में एक ही चीज पर अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें.
every cloud has a silver lining. Okay, now कई बार हम बहुत ज्यादा depressed होते हैं. Sometimes we are really sad. We do not know what to do. We don't aware that what to take the next step. हमें नहीं पता होता कि हम next step कौन सा लें. So every cloud has a silver lining का मतलब होता है आशा की नई किरण. तो ऐसे समय में a person comes to us who is really beloved to us, वो हमारे पास आता है and he says, do not lose hope, हिम्मत मत हारो, because every cloud has a silver lining. हर एक बादल में एक silver lining होती है और आपके पास भी कोई ना कोई option जरूर आएगा and you will come out of this situation. So every cloud has a silver lining. Next, get a taste of your own medicine. अब गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का मतलब क्या है? जो मेडिसिन आप दूसरों को देते हैं उसी मेडिसिन का स्वाद चखना. मान लेते हैं कि आप दूसरों के साथ बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर करते हैं, आप बहुत ज्यादा गुस्से में बात करते हैं. Nobody likes to talk to you. कोई भी आपसे बात करना पसंद नहीं करता और आपको पता नहीं क्यों. और जब आपके साथ ही वो सेम बिहेवियर दूसरा यूज करता है, आपके साथ ही वही बिहेवियर किया जाता है जो आपने दूसरों के साथ किया. सो दिस इज कॉल्ड गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन. आपके साथ वैसा ही व्यवहार हुआ जैसा आपने किसी दूसरे के साथ किया. नेक्स्ट, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट. वन थिंग, पेशेंस. एक बहुत ही फेमस लाइन है, जिसके अंदर धैर्य है उसके अंदर सब कुछ है. इफ यू हैव पेशेंस यू कैन अचीव हाइट्स इन योर लाइफ, बट इफ यू डू नॉट हैव पेशेंस you cannot even pick a stone. So good things come to those who wait. सही चीजें उन लोगों के साथ होती है या वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जो कि इंतजार करना जानते हैं, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है. Next, in a nutshell. अब nutshell आपको पता है, you must have seen walnut. आपने अखरोट देखा होगा. अगर अखरोट को तोड़कर उसका अंदर वाला जो हिस्सा है, जो नट है, उसको निकाल लें तो वो खोखला हो जाएगा. अब आपको किसी चीज को उसके अंदर भर देना है, फिर उसको वापस बंद कर देना है, तो वो इतना सा रह जाएगा वापस, आपने जो भी उसके अंदर चीज भरी है. सो इन अ नटशेल का मतलब होता है कि किसी भी चीज का निचोड़ निकालना. आप एक बहुत बढ़िया स्पीच दे रहे हैं और उस स्पीच का आपको उपसंहार या कंक्लूजन देना है. सो यू कैन यूज इन अ नटशेल. लास्ट में आई वॉन्ट टू से दैट दिस should happen, this should not happen. So in a nutshell, in a conclusion, it is not rocket science. This is really common. जब आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम बहुत easy है, but you find it really difficult. आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा hard है. So someone comes to you और आपको वो बोलता है, this is not rocket science. ये कोई rocket science नहीं है, because rocket science is considered to be one of the toughest jobs in the world. So this is not rocket science. It means this is really easy. So our next idiom is to leave no stone unturned. अब आपको stone का मतलब पता है, पत्थर, और unturned का मतलब होता है वैसे ही पड़े रहने देना. Turn का मतलब होता है turn करना, और इसके आगे हमने un लगा दिया, इसका मतलब बिल्कुल वैसे ही. लेकिन to leave no stone unturned, इसका मतलब हुआ हर पत्थर को उठाकर देखना. और इसका मतलब क्या हुआ हर पत्थर को उठाकर देखना? मतलब पूरा जोर लगा देना, टू ट्राई योर लेवल बेस्ट. सो लीव नो स्टोन अनटर्न. अगर आपको बोलना है कि अपने एग्जाम के लिए, अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, सो यू विल से टू पास दिस एग्जाम आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न. नेक्स्ट, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई. सो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं कि आप कहीं पर जा रहे हैं एंड देर आर डॉग्स जो सो रहे हैं, और अगर आपने उनको जगा दिया तो वो क्या करेंगे? दे कैन अटैक ऑन यू. सो अगर आप उनको वैसा ही सोने देते हैं, मतलब आपने सिचुएशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया और आगे बढ़ गए. सो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब होता है किसी भी चीज को न छेड़ना, जो सिचुएशन है उसको बिल्कुल वैसा ही रहने देना एंड मूव ऑन, और निकल जाना. सो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई. लेट द कैट आउट ऑफ अ बैग. मान लेते हैं कि एक बैग है, वो पड़ा हुआ अपने आप ही हिल रहा है और आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, तो आपने उसको खोला और अचानक से उसके अंदर एक कैट निकली, एक बिल्ली निकली. सो लेट द कैट आउट ऑफ अ बैग मतलब आपके लिए वो एक सरप्राइज हुआ.
आप देख रहे थे कि इसके अंदर क्या है, जैसे आपने वो खोला उसके अंदर से एक बिल्ली निकली एंड दैट वाज अ सरप्राइज फॉर यू। सो लेट द कैट आउट ऑफ अ बैग का मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट, टू रिवील अ सरप्राइज। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यू एंड योर फ्रेंड आर टॉकिंग टू ईच अदर और आप एक चीज को बहुत खींच कर ले जाए जा रहे हैं। तो आपने, आपके दोस्त ने आपको बोला मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट या मेक दिस स्टोरी शॉर्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे बात करो, इसको इतना खींचो मत। मिस द बोट, यू आर ऑन द एज, आप किनारे पर हैं और एक बोट है जिसमें आप बैठने वाले थे लेकिन वो निकल चुकी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप उसके अंदर नहीं बैठ सकते। सो दिस मीन्स यू हैव मिस द अपॉर्चुनिटी। सो मिस द बोट का मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, नेक ऑफ द वुड्स, अब नेक का मतलब होता है गर्दन और वुड्स को नॉर्मली बोलते हैं जंगल, तो उसका मतलब ये नहीं कि गले में जो जंगल है, बिल्कुल नहीं। नेक ऑफ द वुड्स का मतलब होता है इन योर नेबरहुड। ओके, किसी ने आपसे पूछा आपके फ्रेंड्स कहाँ रहते हैं, सो आपने कहा माई फ्रेंड्स लिव इन माई नेक ऑफ द वुड्स। नेक ऑफ द वुड्स मतलब मेरे मोहल्ले में, सो माई फ्रेंड्स लिव इन माई नेक ऑफ द वुड्स। नो पेन नो गेन, पेन का मतलब होता है दर्द और गेन का मतलब होता है किसी भी चीज को प्राप्त करना, तो जब तक आप दर्द नहीं सहेंगे आप किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। सो नो पेन नो गेन। नॉट वंस कप ऑफ टी, ओके, आपका दोस्त आपके पास आया कि यार मैं ये काम मेरे लिए कर देना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू मी, आपने उसको कहा कि अरे ये मैं नहीं कर सकता, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, कोई मेरे पास आए कि सर ये 10 मैथ्स के सवाल हैं क्या आप ये सॉल्व कर देंगे, सो आई विल से नो, बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं है। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है हिंदी में ईद का चांद होना। ओके, आप कहीं से निकल रहे हैं, आपने किसी ऐसे इंसान को देखा जिसे आप बहुत कम देखते हैं, तो आप उसे बोल सकते हैं आई सी यू वंस इन अ ब्लू मून, बहुत कम दिखाई देते हो यार तुम। पुल समवंस लेग, किसी की टांग खींचना, अब टांग खींचने का मतलब ये नहीं कि उसको घसीटना, बिल्कुल नहीं, टांग खींचने का मतलब है कि उसके साथ मजाक करना या उसका मजाक उड़ाना, सो पुल समवंस लेग। सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे, अब मान लेते हैं कि बारिश आने वाली है, ओके, और बारिश में हमें बहुत सी चीजें स्टोर करके रखनी होती ताकि हम बाहर न जाना पड़े, हमें ऐसी जरूरत ही ना पड़े कि बाहर जाना पड़े। सो सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे, इसका मतलब हुआ कि कोई चीज ऐसे समय के लिए बचा कर रखना जब हमें उसकी जरूरत हो। When pigs will fly, pigs will fly का मतलब क्या होगा, pigs का मतलब आपको पता है सुअर होते हैं, so when pigs will fly, अब इसका मतलब हुआ कि जब सुअर उड़ने लगेंगे, आपके पापा आपके पास आए कि तुम कब पढ़ना शुरू करोगे, तो आपने कहा when pigs will fly, तो ना तो कभी सुअर उड़ेंगे और ना मैं कभी पढ़ूंगा, बोल मत देना, हादसा हो सकता है। Sit tight, सिट टाइट का मतलब क्या हुआ, आप कहीं पर बैठे हैं और आप दोनों तरफ से बहुत टाइट जकड़े हुए हैं एंड यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन टू मूव, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि आप मूव नहीं कर पा रहे, सो सिट टाइट का मतलब हुआ है नॉट टू चेंज योर माइंड, नॉट टू चेंज योर डिसीजन, अपना डिसीजन न बदलना, जो आपने सोच लिया है उसी पर अड़े हुए रहना। स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट का मतलब आप किसी रूम में आए और आपको कुछ स्मेल आई, जैसे कि कोई चूहा है यहां पर, तो आपने देखा स्मेल रेट स्मेल रेट, सो इस स्मेल रेट का मतलब हुआ कि कुछ सस्पेंस था, कोई सीक्रेट था जो कि आपको पता चल गया, आपके दो बच्चे मान लेते हैं कहीं पर बैठे हुए हैं और वो कुछ बातें कर रहे हैं और जैसे आप उनके पास गए वो चुप हो गए ऐसे आपके आते, तो आप उनको बोल सकते हैं आई कैन स्मेल अ रेट, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है यहाँ। स्पीक ऑफ द डेविल, स्पीक ऑफ द डेविल, आप दो दोस्त आपस में खड़े हुए बात कर रहे हैं और तीसरा दोस्त अचानक से आ जाता है और आपने देखा कि हम जिसके बारे में बात कर रहे थे वो अचानक आ गया, तो एक चीज तो वो होती है कि तुम हजारों साल जियोगे, वो कल्चर दोस्तों में कम होता है, सो वी से स्पीक ऑफ द डेविल, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर। स्पिल द बीन्स, अब बीन्स का मतलब आपको पता है जो दालें होती है या जो नॉर्मल भाषा में बड़ियां जिसे बोलते हैं,
सो मीन्स अब आप उसे लेकर जा रहे हैं छुपा कर किसी से और अचानक से आपको ठोकर लगी और वो सारी नीचे गिर गई, तो क्या हुआ? आप जो लेकर जा रहे छुपा कर वो सारा सबके सामने आ गया। तो स्पिल द मीन्स का मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट, ऐसी कोई बात जो आप छुपा कर रखना चाहते थे लेकिन वो सब लोगों के सामने आ गई। द बॉल इज इन योर कोर्ट, आप टेनिस खेल रहे हैं, आपने बॉल को मारा और वो आपके दोस्त के कोर्ट में जाकर गिर गई, तो अब ये उसके ऊपर है कि वो किस तरह का शॉट खेले। सो द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब हुआ नाउ दिस इज टोटली अप टू यू हाउ यू टेक इट, अब सारी चीज आपके ऊपर है आप इसे किस तरीके से संभालते हैं, इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, अब बोथ का मतलब होता है दोनों, और वर्ल्ड्स एक तो हमारी धरती और एक स्वर्ग हेवन, तो जो बेस्ट यहां पर है और जो बेस्ट वहां पर हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है एन आइडियल सिचुएशन, द थिंग दैट इज इन हिज बेस्ट फॉर्म। तो द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब हो सकता है कि कोई ऐसी चीज जो अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में है, थ्रू थिक एंड थिन, थिक का मतलब चौड़ा, थिन का मतलब पतला, थिक का मतलब आप इसे गाढ़े के सेंस में भी ले सकते हैं, थिन का मतलब आप पतले के सेंस में लेते ही हैं। सो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब हुआ ऐसी स्थिति जिसमें आप कई बार गिर चुके हैं और उस सिचुएशन में आपने खुद को संभाला। तो आप बोलते कई बार कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें देखी है, आई हैव बीन थ्रू थिक एंड थिन इन माई लाइफ, मतलब उतार चढ़ाव वाला माहौल। जज अ बुक बाय इट्स कवर, कई बार क्या होता है कि हमने किसी चीज को देखा और उस चीज को देखते ही हम अपने दिमाग में उसके लिए एक इमेज सेट कर लेते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, और लोग बोलते भी हैं डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कई बार हम किसी के पहनावे से उसके पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा लेते हैं और जब वो हमसे बात करता है तो हमारा ओपिनियन उसके बारे में बिल्कुल बदल जाता है। सो नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो पीपल दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशंस एंड कीप स्पीकिंग। जब तक आप इन चीज़ों को बोलेंगे नहीं, जब तक आप इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड नहीं करेंगे, आप शेयर नहीं करेंगे, तब तक ये आपके डेली लाइफ का पार्ट नहीं बन पाएगी। सो कीप स्पीकिंग, लव यू ऑल, थैंक यू।